हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए मैं प्रैक्टिस पेपर लेकर आया हूं जो कि क्लास इलेवेंथ का सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश होगा और विद द सॉल्यूशन के साथ। आई होप डियर स्टूडेंट कि आपका जो इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ पोल साइंस का और साथ साथ में आपका डियर स्टूडेंट जो फिजिकल एजुकेशन का, ये बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक है, तो अब आपका इंग्लिश का पेपर है और इससे पहले इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो डियर स्टूडेंट, इस पेपर को देने से पहले आप जो है ना क्या करें, पहले प्रैक्टिस पेपर लगाए, एकदम एग्जाम जैसा हूबहू वही पेपर समझिए, एज इट इज आप उस पेपर को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल एग्जाम जैसा पेपर है, इसको आपको जो है ना डियर स्टूडेंट इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए पेपर देख लेते हैं। ये पेपर है आपका डियर स्टूडेंट, इसे आपको प्रैक्टिस पेपर क्लास इलेवेंथ का, इसे अच्छे से सॉल्व करना। ठीक है, एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ये टोटल जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये 90 मिनट का आपका पेपर होगा। राइट, ये सेक्शन ए बी सी है जिसमें से यहाँ देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, रीडिंग स्किल पहले, रीडिंग स्किल में सबसे पहले आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। राइट, इसे पढ़ने के बाद आपको मैं आंसर की भी आपको दूंगा। ठीक है, इसे अच्छे से देखिए और इसे अच्छे से आप इसे पढ़ करके वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, वहाँ लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर इसमें जो क्वेश्चन है, सभी पूछे गए प्रश्न है, क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए आप एग्जाम में किस तरह से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और ये प्रैक्टिस पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट कंपलसरी है डियर स्टूडेंट। अगर आपका बेहतर टाइम मैनेजमेंट होगा तो डेफिनेटली आप बेहतर स्कोर कर पाओगे। और ये पैसेज टू है, पैसेज दो सेकंड है, और पैसेज सेकंड में आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसे आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, इसके बाद ये आपका जो है ना डियर स्टूडेंट कंपेरिजन, डेटा बेस कंपेरिजन है। ठीक है, इसे भी आपको पढ़ने के बाद आपका जो है ना, देखिए यहाँ एम सी क्यू गिवन है, इस तरह का आपका एम सी क्यू होगा, इसे आप अच्छे से जो है ना सॉल्व कीजिए एक एक करके। इसके साथ साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर की का भी मैं लिंक दे दे रहा हूँ। ठीक है, वहाँ से आप डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ठीक है, और इसके लिए डियर स्टूडेंट आपको कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, कमेंट पर आप जाकर के क्लिक करें और साथ साथ में आंसर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल में आप सभी को पता है डियर स्टूडेंट, ये सारे जो है ना इस बार का जो पेपर है सारा एमसीक्यू है 20, इस क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए, अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है, विद कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, और आप एग्ज़ाम जैसा फील करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम का ही पेपर है डियर स्टूडेंट, तो इसे आपको समझना है, जो एग्ज़ाम है ये आपको और आपका एग्ज़ाम का पेपर है, तो इसे अच्छे से सॉल्व करना। राइट, ये प्रैक्टिस पेपर है, 33 क्वेश्चन तक आ गए, 34 35, और इसे जो है ना रीऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस है, तो इसे भी आप रीअरेंज करेंगे। ठीक है, लिटरेचर का सेक्शन है, इसे आपको पढ़ना है, फिर इसमें जो सिर्फ चार ऑप्शन है इसे आप अच्छे से इसे सॉल्व करेंगे, 4 ऑप्शन। राइट, तो प्रॉपर वे में डियर स्टूडेंट इसे अच्छे से सॉल्व कीजिए। इसके साथ साथ मैं आंसर की भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, या फिर कमेंट सेक्शन में, वहाँ से डायरेक्ट जो है ना आप क्या कर सकते हैं जो है ना डाउनलोड करके आप इसे मैच कर सकते हैं, लेकिन पहले खुद से आपको करना है। ठीक है, क्योंकि आप सभी बच्चे डिमांड कर रहे थे सर सैंपल पेपर दे दो, सैंपल प्रैक्टिस पेपर दे दो, तो आप सभी के लिए मैं प्रैक्टिस पेपर लेकर आया हूँ। ठीक है, ये प्रैक्टिस पेपर है। राइट, आसानी से बहुत ही ईजी है, इसे अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का पेपर आपको हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए डियर स्टूडेंट। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, ताकि आपको जो है ना इस तरह का मैं सैंपल पेपर और आगे देता रहूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। और आपका आंसर की भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में टैग कर दिया गया। ठीक है, वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट टेलीग्राम से ज्वाइन करके और आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ठीक है।